हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कार ऑफ सीडन। आज की इस वीडियो के अंदर जो कार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो इंडिया की सबसे ज्यादा प्रीमियम सेडान है। काफी ज्यादा स्पोर्टी इसके लुक्स है और काफी ज्यादा ये कस्टमर को पसंद आ रही है। ये है ह्यूंडई वर्ना और ये इसका टॉप मॉडल SX ऑप्शनल है। डीजल और जो टॉर्क कन्वर्टर वाला वेरियंट है वो हमारे पास है। इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो रहती है 15,25,000। और जिसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है उसके अंदर आती है होंडा सिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो होंडा सिटी है उसको पेट्रोल के लिए प्रेफर करो और जो वरना है उसको डीजल के लिए प्रेफर करो। तो मैं आप लोगों के लिए डीजल के अंदर ही लेके आया हूँ। तो आप थोड़े से सिनेमेटिक्स देखिए और उसके बाद मैं आपसे पूरा जो वॉकअराउंड रिव्यू है इसका वो शेयर करता हूँ। थैंक यू। तो गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वरना का जो फ्रंट एंड है उसकी बात करें तो इसके अंदर जो सबसे प्यारी चीज़ है वो है इसकी हेडलाइट्स। ठीक है, इसकी हेडलाइट्स के अंदर यहाँ पे हमें LED लाइट्स मिल जाती है, प्लस जो ये LED DRL है वो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक जो कॉस्ट कटिंग की गई है वो यहाँ पे ये है कि इसके अंदर हमें हेलोजन का इंडिकेटर मिलता है। बस ये भी अगर इसकी जगह भी LED हो जाता तो फुल LED यूनिट हो जाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। नीचे की तरफ यहाँ पे हमें जो प्रोजेक्टर बेस्ड फॉग लैंप्स मिलता है, उसके साथ यहाँ पे हमें जो है एयर कर्टन्स वरना के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि i20 वगैरह के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो पुरानी वरना थी और जो फेस लिफ्टेड वरना है उसके अंदर जो मेन डिफरेंस था वो एक ग्रिल का था। मतलब लोग बाग ऐसे ग्रिल आफ्टर मार्केट लगवा रहे थे तो ह्यूंडई वाले ने बोला आफ्टर मार्केट से बढ़िया इसको हम कंपनी फिटेड दे देते थे। तो ये जो ग्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक प्रोवाइड करती है ये डार्क क्रोम के अंदर। मतलब क्रोम नहीं, थोड़ा सा डार्किश क्रोम है। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे हमें वापस डार्क क्रोम की ये स्किड प्लेट मिल जाती है। यहाँ पे आपको बड़ा सा ह्यूंडई का लोगो और नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाती है। अगर साइड की तरफ बात करें हम सबसे पहले तो साइड के अंदर व्हील्स जो है इसके अंदर हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये SX ऑप्शनल टॉप वाला मॉडल है तो इसके अंदर हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। व्हील प्रोफाइल की अगर बात करें तो रहती है 195/55R16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर। आगे की तरफ हमें डिस्क ब्रेक मिल रहा है और पीछे वाले के अंदर हमें जो है ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ पे आपको जो ऑटो है उसकी बैजिंग मिल जाती है क्योंकि ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर हमें ऑटो की बैजिंग मिल जाती है। अगर ORVMs की बात करें तो ये हमें बॉडी कलर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो LED इंडिकेटर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। और ये टॉप वाला मॉडल है तो इसका जो ये लोअर विंडो एरिया इसके अंदर हमें क्रोम की गार्निश मिल जाती है। अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो इसके ऊपर भी हमें नॉर्मल वाला जो क्रोम होता है वही मिलता है। और बाकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो जरूर इसके अंदर थोड़ा सा कम है, 165mm का। तो ये लोगों की कंप्लेन रहती है कि मतलब बार बार नीचे टच वगैरह हो जाती है, ये एक छोटी सी दिक्कत है। इधर पीछे की तरफ हमें यहाँ पर इसके अंदर जो ड्रम ब्रेक है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक मिलता है, फ्यूल टैंक के अंदर हमें 45 लीटर्स की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर रियर के अंदर हम बात करें पीछे से जो ये सेडान है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लगती है और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी अपील इसके अंदर मिलती है। यहाँ पे हमें जो वरना की बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है, बीच में हमें ह्यूंडई की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे हमें जो ट्रिम लेवल है SX उसकी बैजिंग मिल जाती है। ये SX ऑप्शनल है लेकिन इसके अंदर भी SX की बैजिंग, कोई भी SX ऑप्शनल की स्पेशल बैजिंग जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगर टेल लाइट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक टेल लाइट्स है इसकी भी। ये जो पूरा पार्ट है ये हमें LED मिलता है लेकिन जो इसके इंडिकेटर मतलब ये रिवर्स लाइट और जो इंडिकेटर है ये अभी भी हैलोजन मिलते हैं। तो ये भी मतलब थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है, इसके अंदर भी LED होते तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। नीचे की तरफ बम्पर बात करें तो इसके अंदर हमें चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और उसके भी अगर नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें जो अपना ब्लैक क्रोम है उसकी लाइनिंग मिल जाती है और उसके बीच में जो रिफ्लेक्टर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। फेक स्टफ भी इसके अंदर है, जैसे ये एयर कर्टेंस का लुक दिया गया है लेकिन ये फेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे क्लोज्ड हैं। लेकिन एक बढ़िया चीज़ जो ह्यूंडई ने इसके अंदर करी है वो ये है कि जो आजकल सारी कंपनीज जो फेक एग्जॉस्ट वाला सिस्टम करी है, जैसे कि किया सेल्टॉस हो गई या बहुत सारी कार से, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसका जो रियल एग्जॉस्ट है वो नीचे की तरफ ही है। तो अब हम
जो ह्यूंडई वेना की सबसे बड़ी कंप्लेन रहती है कि रियर सीट स्पेस कैसा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार हम जो रियर सीट है उसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो रियर डोर है उसकी, तो रियर डोर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मतलब ये हार्ड प्लास्टिक्स वगैरह का यूज़ है, लेकिन वो इतना चीप लुक नहीं देता है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। बीच कलर और ब्लैक का जो कॉम्बो है वो इंटीरियर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। जो डोर का वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, और एक प्रॉपर थड़ के साथ जो ये गेट है वो बंद होता है। ठीक है, अगर डोर के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमें जो क्रोम की फिनिश है, डोर हैंडल्स मिल जाता है, यहाँ पर हमें पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पर हमें जो प्रीमियम नेस है वो दिखाने के लिए यहाँ पर जो सॉफ्टेस्ट मटेरियल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें जो बोतल होल्डर्स है वो देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमें जो स्पीकर है उसकी प्लेसमेंट मिल जाती है। और जो मेन चीज़ है रियर सीट, उसके ऊपर अगर हम चले तो इसकी जो सीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, ये एक छोटी सी दिक्कत है इसके अंदर। मतलब सीडान है तो लो सीटिंग तो होती है वैसे भी। तो अगर हम अंदर चल के एक बार स्पेस वगैरह की बात करें, तो ये वाली सीट है उसको मैंने अपनी जो हाइट है, मतलब जो सबसे आगे हो सकता है वरना के अंदर, उसके ऊपर पॉसिबल किया है। तो उसके बाद आप स्पेस देखते हैं तो जो स्पेस है वो ठीक है, अंदर टाइट सपोर्ट भी थोड़ा बहुत ठीक है, बस सीटिंग जो है वो थोड़ी सी लो है, और जो विंडो एरिया है वो भी मतलब ठीक ठाक है। आपको थोड़ा सा भी क्लॉस्ट्रोफोबिक इस कार के अंदर बैठने के बाद फील नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल प्लस जो हुक है वो देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आपको सिर्फ जो डोर हैंडल है वही देखने को मिलता है, कोई हुक इस वाली साइड आपको नहीं मिलता। सेंटर में यहाँ पे आपको एक लाइट दी गई है जो येलो लाइट थ्रो करती है, तो अर्गोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा सही है। और सेंटर के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और उसके साथ यहाँ पे आपको जो है मतलब अपना 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वो देख यूएसबी चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सेंट्रल हम जो है वो भी काफ़ी माइनर सा है, ऐसा कोई बड़ा सेंट्रल हम पे है नहीं, तो इसका जो है वो आपको फील होता नहीं है। अगर पीछे की तरफ बात करें सीट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें सेंट्रल आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर हमें दो कप होल्डर्स मिलते हैं, बाकी इसका कोई भी और फंक्शन नहीं है, और यहाँ से आप बूट को जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डोर कर्टन, मतलब जो विंडो कर्टन्स है वो देखने को मिल जाता है। ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, मैनुअली लगते हैं ये ऐसे लगे, और वापस आप ऐसे इसको छोड़ सकते हैं। पीछे की तरफ हमें डीफॉगर मिल जाता है, सीडेंस के अंदर वाइपर आते ही नहीं, तो वैसे भी इसके अंदर ज़रूरत है भी नहीं, है ना। उसके बाद एक बार मैं बाहर निकलता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये जो रियर वाली सीट है ये पूरी एक सिंगल पीस के अंदर है, इसको आप 60-40 स्प्लिट के अंदर फोल्ड नहीं कर सकते हो। और जो आर्म हेडरेस्ट है वो आपको पीछे की तरफ दो ही मिलते हैं, सेंटर के अंदर आपको कोई भी आर्म हेडरेस्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रंट सीट पे, और जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम सीट है इसकी और जहाँ पे आपको होना चाहिए वरना के अंदर, उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमें जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ह्यूंडई किया कार्स की तरह, सारी कार्स की तरह इसके अंदर भी हमें सिर्फ ड्राइवर साइड में ही रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट डोर की बात करें तो क्वालिटी वाइज वापस वो की वही चीज़ है, यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और जो ड्राइवर वाली विंडो है सिर्फ वही ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों है, लेकिन बाकी सारी विंडोज़ के अंदर ये सारा फीचर नहीं है। यहाँ पे हमें डोर को लॉक अनलॉक करने का, और जो मिरर्स है जो आउट ORVMs है उनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप इनको फोल्ड और अनफोल्ड दोनों कर सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तभी अनफोल्ड अनफोल्ड दोनों हो जाते हैं। अगर अंदर की तरफ चलें तो यहाँ पे हमें जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट लेवल मिल जाता है, और जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है उसको ऑन ऑफ करने का बटन हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हमें डोर के अंदर डोर पॉकेट्स मिल जाती है, काफ़ी बड़ी डोर पॉकेट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ हमें जो स्पीकर है उसकी प्लेसमेंट दी गई है, और यहाँ पे हमें 6 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे हमें जो दो ट्वीटर्स है वो देखने मिल जाता है, एक इस डोर पर और एक उस वाले डोर के ऊपर है। सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स 8-way एडजस्टेबल है, ठीक है, आप इसको हाइट के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे सबसे ऊपर है आप इसको करता हूँ तो सीट नीचे जा रही है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको बोनट जो है उसको खोलने का मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको जो फ्यूल लीड और वो है उनको ओपन करने का मिल जाता है। इंजन स्पेक्स वगैरह की बात अभी हम आगे चल के करते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको दो पेडल्स मिल जाते हैं, एक कोई भी ऐसे मतलब प्रॉपर डेड पेडल टाइप नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका पाँव रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। उसके साथ ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एसी वेंट्स की बात करें तो इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए यहाँ पे हमें क्रोम की जो ये इंसर्ट वो मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। अब हम चलते हैं जो सीट है उसके अंदर, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सीट्स है इसके ऊपर फैब्रिक मतलब लेदराइट सीट्स मिलती हैं, तो आपको सीट कवर वगैरह चढ़ाने की इसके अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है। अंदर की तरफ चलने से पहले अगर हम बात कर लें की तो इसके अंदर जो की है वो मतलब रेगुलर फैशन जो ह्यूंडई की है उससे थोड़ी सी अलग डिज़ाइन के अंदर मिलती है, और ये प्रीमियम है, क्रेटा i20 इन सबसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये की। इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक प्लस होल्ड करके रखते हैं तो जो आपकी बूट है वो ऐसे अनलॉक हो जाती है, ठीक है, जैसे ये अभी मैंने दबा के रखा था तो जो बूट है वो ऊपर उठ चुकी है। प्लस ये जो फोर ताला बटन है, जैसे आपकी कार किसी पार्किंग वगैरह में है और लॉकड है और आपको आपकी कार नहीं मिल रही है, जैसे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लॉक है, ठीक है, अब आपको अगर आपकी कार नहीं मिलती तो आपको ये वाला जो बटन है इसको होल्ड करके रखना है, तो आपकी जो कार है वो ऐसे हॉर्न देके और जो इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक करने लग जाएंगे, ठीक है। इसको रोकने के लिए आपको आपकी कार को वापस अनलॉक करना पड़ेगा। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, और ये जो सनरूफ है इसके बाद हम अंदर चल के करते हैं। तो मतलब वरना की जो सबसे शानदार जगह है वो है ये फ्रंट वाली सीट, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड ये सीट है, प्लस इसके अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं वो मैं सब आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे पहले अगर हम बात करें जो अपना स्टीयरिंग है उसके ऊपर हमें ये लेदर लेफ्ट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो क्रूज़ कंट्रोल है उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो अपनी MID है इसके अंदर आपको डिजिटल MID मिलती है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, आपके ऑडियो कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स हैं, प्लस इसके अंदर में जो वॉइस कमांड्स है वो भी देखने को मिल जाता है। सेंटर की तरफ आए तो यहाँ पे जो सारी ये वाली जो स्क्रीन है वो आपको क्रेटा सेल्टोस सारी कार्स के अंदर देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्लीक है ये, एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्लीक है ये। इसके अंदर आपको जो ड्राइवर रियर व्यू मिरर है वो देखने को मिल जाता है, ये आपको मैं अभी चालू करके बताता हूँ। ठीक है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के अंदर खुलेगी, सेटिंग हो गई। ठीक है, अगर पीछे की तरफ हम चलते हैं तो सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे ब्लू लिंक वगैरह जो डिस्प्ले की सेटिंग है, वॉइस रिकॉग्निशन सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो सारी चीज़ें मिल जाती है। ब्लू लिंक जो है इसके अंदर आपको कनेक्टेड कार टैक्स मिल जाता है ह्यूंडई का, जो आजकल सारी कार्स के अंदर आ रहा है लगभग लगभग, मैप वगैरह हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक है ये यूनिट, और इसको आप ऐसे जैसे मैं आपको बताया था आप इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, टू हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे क्रोम का इंसर्ट वगैरह है। नीचे की तरफ आपको जो सारा मीडिया का कंट्रोल है वो देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ यहाँ पे नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें हज़ार लाइट स्विच जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है तो उसके कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। उसके साथ आपको ये रियर डिफॉगर फ्रंट डिफॉगर और सारी चीज़ें हैं वो ऑन ऑफ करने को मिल जाती है। और जो सबसे यूनिक फीचर जो वरना के अंदर मुझे पर्सनली लगता है वो इसकी जो है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, तो इसके अंदर जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड है और ये सीट्स को ठंडा करती है, मतलब हीटेड सीट नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये टॉप वाला वेरिएंट है इसके अंदर डीजल के अंदर हमें टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गेयरबॉक्स मिल जाता है, वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलता है जिसके अंदर आपकी जो ट्रिप है वो आपको क्रोम की मिल जाती है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और ये जो आर्म रेस्ट है ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके नीचे की जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, और ये जो आर्म रेस्ट है ये स्लाइडेबल आर्म रेस्ट है, जैसे आप देख सकते हो ये भी ऐसे आगे पीछे आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रखी थी, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको USB सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको जो है एक और जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो देखने को मिल जाता है। ठीक, और उसके साथ एक जो सबसे यूनिक फीचर Hyundai आजकल अपनी सारी कार्स में दे रहा है वो ये है कि इसके अंदर हमें यहाँ पे जो अपना वायरलेस चार्जिंग पैड है फ़ोन के लिए वो भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स की स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा डीप है और काफ़ी ज़्यादा ठीक है ये, है ना। और तो ये जो ORVMs है इसके अंदर भी हमें ऑटो डिमिंग ORVM मिल जाता है, जो डे और नाइट में अपने आप ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है, प्लस कनेक्ट SOS जो रोड साइड असिस्टेंस है उसके सारे बटन जो है ये आपको दिख नहीं रहे हैं, हाँ अब दिख रहे हैं, तो ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे को जो है लाइट्स देखने को मिल जाती है, जो ऐसे टच करने में चालू होती है येलो लाइट थ्रो करती है। यहाँ पे हमें सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो माइक है उसका प्लेसमेंट मिल जाता है। और ये जो कंट्रोल है ये अपने इसके लिए सनरूफ के लिए, तो एक बार मैं आपको कार स्टार्ट करके सबसे पहले MID वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद सनरूफ दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट होती है ये कार, उसका पूरे एनिमेशन साथ जो अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आ जाता है। इधर की तरफ आपको टैकोमीटर मिल जाता है, इधर तरफ आपको स्पीडोमीटर प्लस जो फ्यूल लेवल्स है वो मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आपको जो टेल टेल लाइट्स है मतलब वार्निंग लाइट्स जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। सेंटर में आपको कौन सा डोर ओपन है क्लोज है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फ्यूल इकोनॉमी हो गया, ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी वरना के अंदर एक पेट्रोल वाले के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डीजल का ठीक है, ये कार बहुत टाइम से पड़ी थी इसलिए अभी यहाँ पे 3.5 की KMPL का माइलेज दिखा रहा है, बाकी माइलेज इसका ठीक है, है ना। उसके बाद आपको आपने कितना टाइम चलाया, कितना फ्यूल अभी इसके अंदर बाकी है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है ये, BMW की कार से मैच करती है ये वाली MID, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक ये वरना के अंदर हमें देती है, है ना। उसके बाद अब जैसे अभी कार अपनी स्टार्ट है तो मैं आपको एक बार ये जो अपना सनरूफ वाला फीचर है वो देख के बता देता हूँ। तो सनरूफ के अंदर ये जो है ये ऐसे सनरूफ ओपन होती है, ठीक है, और उसके बाद पहली बार में इतनी ओपन, फिर अगर आप एक बार और तो बताते तो ये लास्ट इतनी ओपन होती है, कोई खास प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, अगर बच्चे वगैरह बाहर निकल जाए तो ठीक है। बाकी काफ़ी ज़्यादा लाइट जो है ये सनरूफ आपकी कार के अंदर लाती है और काफ़ी ज़्यादा एयरी फीलिंग आपकी कार के अंदर ही बना देती है। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। अब जो है हम इसकी जो बूट वगैरह है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कार वगैरह मैं बंद करके और बाहर निकलता हूँ तो मैं आपको जो अपना बोनट है वो एक बार खोल देता हूँ, ठीक है। ये डीजल वाला वेरिएंट है ऑटोमेटिक, जो मैं आपको बता चुका हूँ टॉर्क कन्वर्टर के साथ, तो इसके अंदर हमें जो इंजन है वो मिलता है। मैं एक बार खोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बोनेट के ऊपर इंसुलेशन देखने को मिल जाती है, ये आपका जो क्रेटा i20 सब के अंदर इंजन आ रहा है, और अभी जो अल्काज़र लॉन्च हुई उसके अंदर भी यही वाला इंजन है। ये 1.5 लीटर का CIDI इंजन है, Hyundai का डीजल इंजन है ये। पहले वरना के अंदर 1.6 लीटर का इंजन मिलता था लेकिन BS6 इमिशन नॉर्म्स के बाद में इसको मतलब डिग्रेड करके अपने को यहाँ पे 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ इसकी बैटरी वगैरह है, यहाँ पे वॉशर फ्लूड का प्लेसमेंट है, और जो बोनेट है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेट है, तो मतलब सेफ्टी वाइज मुझे ये ठीक लगती है, क्योंकि एशियन टेस्ट रेटिंग्स है उसके अंदर भी इसको 5 स्टार मिले हुए हैं। NCAP टेस्टिंग अभी तक इसकी हुई नहीं है लेकिन जो एशियन वाला है उसके अंदर इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई। अगर हम बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो बूट को अनलॉक करने का मैं आपको एक जो इसका स्मार्ट ट्रंक वाला फीचर है वो बता देता हूँ। जैसे भी आपकी कार लॉक्ड है, ठीक है, कार लॉक, अच्छा वो डोर ओपन है, एक सेकेंड,
जैसे अभी कार लॉक्ड है, अभी की जैसे मेरे हाथ में, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अपन इसके पास गए, 1 मीटर की रेंज में आके अगर आप 3 सेकंड के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं तो ये जो है, अच्छा अभी कुछ हुआ नहीं, 1 सेकंड थोड़ा दूर चल गया था। हाँ अभी कार लॉक्ड है, अब जैसे हम इसके पास आए, ठीक है, तो 3 सेकंड के लिए आप खड़े हैं तो ये लाइट जो है ये 3 बार ब्लिंक करती है और 4th टाइम में जो अपनी बूट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, आपके हाथ में अगर सामान वगैरह है तो उस हिसाब से, ठीक है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो ठीक ठाक बूट स्पेस मिलता है, 480 लीटर्स का इसके अंदर में बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, एकदम फ्लैट है ये। जो लोडिंग लिप है वो थोड़ी सी हाई है, इधर की तरफ हमें टॉप पे एक लाइट जो है वो लाइट का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है भाई, कोई हुक वगैरह के इसके अंदर प्लेसमेंट नहीं है। अगर मैं आपको स्पेयर व्हील की बात करें, ठीक है, तो स्पेयर व्हील की जो प्रोफाइल है वो 185/65 R15 है, तो एक साइज स्मॉलर ही आपको मिलता है, स्पेस सेवर ये व्हील है और उसके साथ जो है ये हमें स्टील रिम के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक। तो अब मैं लगभग लगभग आपसे इस कार के बारे में जो है सारी बात कर चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।